वेलकम टू द फार्मूला फाउंडेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो इसका ग्राफ एक सरफेस होगी। सपोज करें कि वो सरफेस इस तरह से है, यानी अगर ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये सरफेस इस फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये स्पेस में है। मीन्स अगर हम इस एक्सिस को इग्नोर करें और इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कंसिडर करें और ये हो जेड एक्सिस, तो इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह होगा। यानी ये जो सरफेस है ये यहाँ पर है स्पेस में, और अब ये जो सरफेस जिन पॉइंट से मिलकर बनी है वो पॉइंट्स ऑर्डर ट्रिपल हैं एक्स वाई और जेड के। अब 2D में तो हम इसको इसी तरह ड्रॉ करेंगे, और सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर ट्रिपल हैं एक्स वाई और जेड के। ठीक, अब अगर हम इस फंक्शन में वाई को कांस्टेंट कर दें, वाई इज़ इक्वल्स टू बी सेट करके, तो ये एक प्लेन होगा इस तरह से। यानी ये जो प्लेन है ये प्लेन वाई इज़ इक्वल्स टू बी। जिस तरह अगर एक्स वाई प्लेन में एक्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो एक लाइन होगी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, यानी एक्स इज इक्वल्स टू बी। इसी तरह अगर 3D में वाई को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पर, यानी एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पर। ये जो फिगर है ये इस तरह है, इस तरह परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर, यानी ये प्लेन वाई इज इक्वल्स टू बी सिर्फ y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस और x एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है। ठीक, अब अगर हम इस सरफेस में से सिर्फ वो पॉइंट्स कंसिडर करें जिस पर y कांस्टेंट हो, तो ज्योमेट्रिकली ये पॉइंट्स इंटरसेक्शन होंगे इस सरफेस के पॉइंट्स और इस प्लेन के पॉइंट्स का, यानी वो पॉइंट्स इस प्लेन के पॉइंट्स और इस सरफेस के पॉइंट्स के कॉमन पॉइंट्स होंगे। और अगर इस सरफेस और इस प्लेन के पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें मिलेगा एक कर्व इस तरह। अब क्योंकि y कांस्टेंट है तो अगर हम x को चेंज करें तो इसके करिस्पॉन्डिंग z चेंज होगा, जबकि y तो कांस्टेंट है। नाउ इस कर्व पर दो पॉइंट्स लेते हैं, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट R। अब क्योंकि ये पॉइंट्स इस प्लेन और इस सरफेस का इंटरसेक्शन है, तो मीन्स ये पॉइंट्स 2D में है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B और 0, और ये इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स होंगे A प्लस डेल एक्स कॉमा B एंड 0। एंड थ्रू दीज टू पॉइंट्स सीकेंट लाइन का स्लोप होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स एंड बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी अपॉन ए प्लस डेल एक्स माइनस ए। अब अगर पॉइंट आर को टुवर्ड्स पॉइंट पी मूव करें, तो अगर जब ये आर यहाँ पर होगा तो सीकेंट लाइन कुछ इस तरह से होगी, और इस तरह करते करते ये पॉइंट आर पॉइंट पी से इतना क्लोज हो जाएगा कि डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, और इस पर जो सीकेंट लाइन थी वो अब एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो इस पर स्लोप होगा व्हेन लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन डेल एक्स। अब अगर इस स्मॉल चेंज को स्मॉल डी से डिनोट करें, तो डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ
ए प्लस डेल एक्स कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन डेल एक्स, और ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डी जेड ओवर डी एक्स, ये है डी मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इस कर्व पर एट अ पॉइंट पी, और ये कर्व इस प्लेन वाई इज इक्वल्स टू बी और इस सरफेस जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई के पॉइंट्स का इंटरसेक्शन था, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह डी जेड ओवर डी वाई उस कर्व पर पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप है जो कर्व इंटरसेक्शन है सरफेस जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई और प्लेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का, ठीक। दैट्स इट।